गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स, आज हम ग्रामर का सेक्शन चैप्टर 2 नाउन काइंड्स एंड टाइप्स ये मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ. इसको आपको जो जो डेफिनेशंस मैं आपको बता रही हूँ ये आपको अपनी कॉपी में नोट करना है. ओके, सबसे फर्स्ट तो आपको ये समझना जरूरी है कि नाउन क्या है. सबसे फर्स्ट में आप क्या लिखेंगे बेटा, नाउन. नाउन की डेफिनेशन. ओके, अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, इमोशन और क्वालिटी. ये नाउन की डेफिनेशन है जो आपकी बुक में लेसन 2 पेज नंबर 10 में दी गई है. इसमें से देखकर बेटा ये आप सबको अपनी ग्रामर की कॉपी में नोट करना है. ओके, अ नाउन इज द नेम. नाउन कोई भी वह चीज होती है, किसी भी पर्सन का नाम, किसी भी चीज का नाम, किसी भी जगह का नाम, कोई भी इमोशन या कोई भी एनिमल जिसे हम कहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं. ठीक है, जिसे हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं. जैसे कि मेरे हाथ में बेटा अभी ये क्या है, ये डस्टर है. ये क्या है, एक थिंग है, तो ये भी एक नाउन है. ये चौक है मेरे हाथ में, ये भी एक थिंग है, ये एक नाउन है. जैसे कि हमारे जो इमोशंस होते हैं, एंगर है, हैप्पीनेस है, ये सब भी एक टाइप से एक टाइप का नाउन का काइंड है ये. ठीक है, तो नाउन की डेफिनेशन आप लिखेंगे अपनी बुक में से देखकर पेज नंबर 10 पे, मैंने आपको बता दिया है. नाउन की डेफिनेशन आप लिखेंगे, अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, इमोशन और क्वालिटी. बस आपको इतना लिखना है नाउन की डेफिनेशन में. ओके बेटा, इसके बाद देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन्स. आप ये लिखेंगे देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन्स. पहला जो काइंड होता है वो होता है प्रॉपर नाउन. ठीक है, प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन फिर आप लिखेंगे, अ प्रॉपर नाउन इज द स्पेशल नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग. किसी भी एग्जैक्ट पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम, किसी भी एग्जैक्ट पर्टिकुलर चीज का नाम, किसी पर्टिकुलर प्लेस का नाम, उसे हम कहते हैं प्रॉपर, एग्जैक्ट जो हमको मालूम होता है. फॉर एग्जाम्पल, मोनिका, जवाहरलाल नेहरू, ये सब आपके एग्जाम्पल्स आपकी बुक में दिए हुए. तो ये सबसे पहला काइंड आप डालेंगे अपनी कॉपी में, प्रॉपर नाउन. गॉट इट. सेकेंड काइंड होता है हमारा कॉमन नाउन. ठीक है, कॉमन नाउन क्या होता है, अ कॉमन नाउन इज कॉमन टू ऑल पर्सन, जो सभी लोगों के लिए कॉमन हो, और थिंग्स ऑफ द सेम क्लास और काइंड, यानी कि एक ही प्रकार की, एक ही क्लास के सभी जो जीव. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, एक काइंड की काउज होती है, काउज में भी अलग अलग वैरायटी होती है ना. डॉग्स में अलग अलग वैरायटी होती है, जैसे हम देखते हैं जर्मन शेफर्ड अलग होता है, पोमेरेनियन अलग होता है. तो एक काइंड की एक जैसी जो चीजें होती हैं वो क्या होंगी, कॉमन नाउन में, है ना. फॉर एग्जाम्पल मैन, वुमैन, जैसे कि मैन एक काइंड के हो गए, वुमैन एक काइंड हो गया, सिटीज एक काइंड हो गया, पर्सन, बॉय, गर्ल, ये सब क्या है हमारा, कॉमन नाउन. ठीक है, ये हो गया आपका सेकेंड काइंड. थर्ड काइंड है कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन नाम से ही जैसे कि आपको क्लियर लग रहा है कि कलेक्शन, किसी भी चीज के कलेक्शन की इसमें बात की जाएगी. अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ कलेक्शन ऑफ पर्सन्स और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल. यानी कि किसी भी चीज का कलेक्शन, जिसको हम एक होल, यानी कि जिसको पूरे कलेक्शन को एक नाम दिया जा सके. फॉर एग्जाम्पल टीम, जैसे क्रिकेट की टीम होती है, फुटबॉल की टीम होती है, बहुत सारी टीम्स होती हैं, जैसे कि क्लास. जैसे आपकी पूरी क्लास को मिलाकर क्या कहते हैं हम, नाम तो नहीं लेते सबके, हर स्टूडेंट्स के अलग अलग नाम नहीं लेते, हम क्या कहते हैं, क्लास 7, दिस इज क्लास 7, है ना, इस तरीके से. तो ये क्या होता है, कलेक्टिव नाउन. फोर्थ काइंड होता है बेटा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन. What is abstract noun? An abstract noun is usually the name of quality. किसी भी quality, action, state, feeling और idea. यानी कि इस तरीके की इसमें चीजें आएंगी जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ हम फील कर सकते हैं. जैसे मैंने आपको बताया था anger, happiness, जो हमारे emotions होते हैं, ये सब काइंड में आते हैं abstract noun में. फिफ्थ एंड लास्ट काइंड होता है बेटा material noun. Material noun जैसे कि अ मटेरियल नाउन स्टैंड फॉर द मैटर ऑफ सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड. यानी कि ऐसी चीजें जिससे चीजें बनाई जाती हैं, जैसे कि गोल्ड, स्टोन. अब गोल्ड क्या है, एक मटेरियलिस्टिक थिंग है, बहुत सारी चीजों को मिलाकर गोल्ड बनता है. तो जब भी आपको गोल्ड, जब भी आप मान लो सपोज दैट आपने गोल्ड की कोई रिंग पहनी है, तो क्या आप सारे सब्सटेंसेस के नेम लेते हो, नहीं, आप कहते हो गोल्ड की रिंग पहनी है. तो ये क्या है, मटेरियलिस्टिक जिस चीजों से जो बनी होती है वो हम कहते हैं मटेरियल नाउन. ठीक है बेटा, ये हो गए आपके 5 काइंड्स नाउन के.
इसमें आपको क्या क्या चीज अपनी कॉपी में नोट करनी है, इसके लिए मैं आपको आपकी जो बुक है उसमें टिक मार्क करके आपको पीडीएफ बनाकर इसको सेंड करूंगी। उसमें से देखकर आप अपनी बुक को सामने रखें और कॉपी में पूरे नोट्स प्रॉपरली बनाएं। इसके साथ इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज है वो भी मैं आपको सेंड करूंगी। उसको पहले आप खुद लगाकर देखें, आप करके देखें आपको कितना समझ में आया, आपसे बन रहा है या नहीं। देन आप पीडीएफ में से आंसर शीट देखकर फिर उसको आप मैच करें कि आपने सही किया है या नहीं, जो आपने इससे गलत हो क्या है। कोई बात नहीं, उसको आप आंसर शीट में से मैच करके करेक्ट कर लेना। ओके बेटा, टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।